वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज सुबह वह आपके लिए क्या सोच रहे थे, यानी आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स क्या थे आपके लिए आज सुबह सुबह, उनका मूड कैसा था या उनके मन में क्या विचार थे, क्या फीलिंग्स थी, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है सभी रीडिंग्स की तरह, और सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी जब आप इस तक पहुंचे हैं। ओके, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल आइकन को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी, सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगा। ओके, और ये रीडिंग टाइमलेस हैं व्यूअर्स, ठीक है। मैं जो रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ अपने चैनल पर, मोस्टली रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। टाइमलेस का मतलब ये है कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचेगा, ये आपसे तभी रेजोनेट करती हैं, ठीक है। और एज रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, सभी उम्र के लोगों के लिए हैं और हर जोडियक साइन के लिए हैं, चाहे कोई भी जोडियक साइन हो। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और Instagram पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। Instagram का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ये चलिए देखते हैं कि आज सुबह वे आपके लिए क्या सोच रहे थे। लेट्स सी, काफ़ी शफल कर लिया है हमने ऑलरेडी। वाह, ब्यूटिफुल, पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव है, 10 of Pentacles, अमेजिंग। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। द वर्ल्ड कार्ड, अगेन द पॉजिटिव कार्ड, 10 of Pentacles, द वर्ल्ड कार्ड, ब्यूटिफुल, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। डेथ कार्ड, कोई टेंशन की बात नहीं है, डेथ कार्ड कोई गलत कार्ड, कोई बुरा कार्ड नहीं होता है, ठीक है। मैं इस कार्ड को रीड करूंगी तब बताऊंगी आपको। ओके ओके, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो आज सुबह वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे व्यूअर्स। पहली बात तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने करियर पर बहुत कंसंट्रेट करते हैं या करना चाहते हैं। तो सुबह सुबह उन्होंने अपने करियर के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में ज़रूर सोचा होगा। ओके, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आज सुबह सुबह ये सोच रहे थे कि उन्हें फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ करनी है, लाइक दे हैव द डिज़ायर और द अर्ज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड इवन इफ दे आर ऑलरेडी, अगर वो पहले से ही काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, उनका करियर पहले से ही अच्छा है, तो ये उसमें ग्रो करना चाहते हैं बहुत, क्योंकि ये एक अबंडेंट लाइफ देना चाहते हैं अपनी अपकमिंग फैमिली को। येस व्यूअर्स, दे सी फ्यूचर विद यू, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, और आज सुबह भी शायद ही इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे कि अगर इनको अपनी अपकमिंग फैमिली को, यानी जिसके साथ ये शादी करेंगे, दे विल हैव बेबीज विद यू और योर पार्ट, और उनके जो भी पार्टनर रहेंगे वो, तो वो उनको एक कंफर्टेबल, एक यू नो, एक कंफर्टेबल लाइफ कैसे प्रोवाइड करेंगे अगर वो फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं होंगे। तो वो अबंडेंस के बारे में बहुत सोच रहे थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत सोच रहे थे, और वो ये सोच रहे थे कि अपनी अपकमिंग जो फैमिली होगी उसको वो कितना कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं और वो कैसे प्रोवाइड करेंगे भविष्य में। सो देवर बीइंग फ्यूचरिस्टिक इन द मॉर्निंग, वो यू नो सुबह के बारे में, सुबह करियर के बारे में बहुत सोच रहे थे, आई एम सॉरी।
और दे जस्ट वॉन्ट टू गिव द कम्फर्टेबल एंड गुड लाइफ टू देयर किड्स एंड देयर पार्टनर. ये अपने पार्टनर को जो कि आप हो सकते हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए ही ऐसी दिख रही हैं कि वो अपने पार्टनर और अपने यू नो फ्यूचर किड्स को एक कंफर्टेबल और एक हैप्पी लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, और उसके लिए दे आर रेडी टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. और वो काफ़ी काफ़ी अम्बिशियस भी हैं. ऐसा नहीं है कि थोड़े से में खुश हो जाते हैं, दे आर वेरी अम्बिशियस. उन्हें लाइफ में कुछ ना कुछ पाने की जिज्ञासा हमेशा लगी रहती है. तो आज सुबह भी वो इसी बारे में सोच रहे थे, ये भी एक चीज़ हो सकती है. ओके, और वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं. वो ये सोच रहे थे दे वॉन्ट लाइक 4 kids विद यू. आई डो नॉट नो ये कैसे चैनल हुआ है, बट दे डू वॉन्ट 4 kids विद यू. 4 बच्चे एंड अ पेट एंड अ ब्यूटिफुल फैमिली, सेलिब्रेटिंग एवरी मोमेंट टुगेदर. हर पल जो साथ में खुशी खुशी सेलिब्रेट करे, इन्जॉय करे, ऐसे मोमेंट्स को वो फ्यूचर में देखते हैं. लाइक उनका विजन ऐसा है कि यही होना चाहिए, और उसके लिए ये इनको और ग्रो करना पड़ेगा और हार्डवर्क करना पड़ेगा और अपने आप को फाइनेंशियली अबंडेंट बनाना होगा. सो दे थिंक लाइक दैट. और ये ऐसा सोच रहे थे सुबह भी. ओके, इन द मॉर्निंग ऑल्सो. यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मीन्स ये किसी दूसरी सिटी, स्टेट, कंट्री या टाउन या विलेज से भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ दूरी होगी आपकी. ठीक है, और हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिले हों. अगर नहीं मिले हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने यू नो कम्युनिकेट बहुत किया है, जैसे चैटिंग करना हो गया या जो भी है. ठीक है, एक्सचेंजिंग द स्टफ़, ये आपने सोशल मीडिया को बहुत यूज़ किया है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि दे सी अ बिगिनिंग विद यू. वो आपके साथ अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग भी देख रहे हैं. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी लाइफ का एक फेज था जो एंड हो रहा है या होने वाला है, और वो आपके साथ आने वाला फ्यूचर देख रहे हैं. ओके, और साथ ही साथ ये भी लग रहा है मुझे कि क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है, और डेथ हमेशा यू नो कुछ एंड होता है और कुछ बिगिनिंग होती है, ऐसा दर्शाता है. एंड ऑफ समथिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग. तो इनको शायद ये फील होता है, या ये सुबह इस बारे में सोच रहे थे कि जैसे ये सब यू नो ये इनका जो फेस चल रहा है जहाँ ये एम्बिशियस हैं, ग्रो करना चाहते हैं, चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, अब आपके साथ जो इनका बॉन्ड है, कनेक्शन है, उसका स्कोप समझते हैं फ्यूचर में, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं. तो वो चाहते हैं कि अभी जो इनका फेस चल रहा है वो एंड हो, और जल्दी से आपके साथ जो ये लाइफ जिएंगे वो उसकी शुरुआत हो जाए, उसकी न्यू बिगिनिंग हो जाए. सो दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू, ऐसा लगता है. आप पुराने ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से रिलीज़ करना चाहते हैं जिन्होंने इनको चीट किया, हर्ट किया, बिट्रे किया. अब चाहे वो रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, कलीग्स हों या कोई और हो, ऐसे लोगों को रिलीज़ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से खुद भी दूर होना चाहते हैं, ऐसे लोगों का चैप्टर वो क्लोज करना चाहते हैं. या कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं जो इनके दिमाग में अब तक इनको यू नो दुख देती हैं, दर्द देती हैं, जैसे पास्ट गुजर गया लेकिन पास्ट का ट्रॉमा नहीं गुजरा, तो वो अगर अभी तक ट्रॉमेटाइज्ड महसूस करते हैं तो वो उसको भी लेट गो करना चाहते हैं और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. तो वो सुबह इस बारे में भी सोच रहे थे. हो सकता है इनकी जो चाइल्डहुड इनका जो रहा है वो बहुत ही हैपनिंग नहीं रहा है, बहुत ही हैप्पी और वाइब्रेंट नहीं रहा है. हो सकता है बचपन में इनकी तुलना बहुत होती हो सभी बच्चों से, या इनके भाई बहन या और भी जो कज़न्स हैं वो सक्सेसफुल ज़्यादा हैं, या वो ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे थे या किसी स्पोर्ट में अच्छे थे, बट तुलना कंपैरिजन बहुत हुआ हो सकता है. या जिस भी विद्यालय में थे वहाँ जो भी अध्यापक अध्यापिकाएं थे उन्होंने भी इनको प्रेशर देकर या डरा के इनको हैंडल करने की कोशिश की है. तो इनका चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा नहीं रहा है. ठीक है, इनको घर में भी माता पिता से काफ़ी मार पड़ी हो सकती है, ये भी है. ओके, तो जिसकी वजह से हमेशा ये चाहते थे कि ये ऊपर उठ जाएं. तो ये सुबह इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन हाँ इसमें थोड़ी बहुत हिंट इस चीज़ की है
जितना मैंने आपको बताया कि वो आपके साथ बच्चे चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं और आप लोगों को कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं और उसके लिए दे आर रेडी टू वर्क, ओके, सो वेरी एम्बिशियस, ओके, और न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ करियर के पीछे भाग रहे हैं, दे डू नॉट हैव फीलिंग्स फॉर यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है विच इज़ टेलिंग मी कि इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनके जो इंटेंशंस हैं वो प्योर हैं, कुछ भी इमेच्योर नहीं है, कुछ भी चाइल्डिश नहीं है। बहुत ही सोच समझ के ये इन्होंने मन ही मन ये ठान लिया है कि इनको एक स्टेबल फ्यूचर चाहिए आपके साथ, ओके, तभी मुझे यहाँ पर कोई और कप्स का कार्ड नहीं दिखा है, सिर्फ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स कितनी मेच्योर हैं, कितनी सीरियस हैं और कितनी जेन्युइन हैं, इतना वो जानते हैं। उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको लेके कि कल को उन्हें आपको चूज़ करना है या नहीं करना, दे आर वेरी क्लियर दैट दे वॉन्ट यू फॉर देयर लाइफ, ओके। तो इनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, आप में से बहुत लोगों के लिए ये जल्द ही लाइक विद इन फ्यू वीक्स और मंथ्स ये आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं, आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। कन्फेशन ऑफ फीलिंग्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग, एक नए चैप्टर की शुरुआत इनके साथ हो सकती है, ठीक है, ओके। हो सकता है इन्हें ब्लैक पहनना पसंद है या इन्हें आप ब्लैक में बहुत अच्छे लगते हैं, ओके। व्यूअर्स, ऐसा हो सकता है आपके या इनके नाम में डी आता है, ओके, डी फॉर डॉल, और आर आता हो, एस ई एन पी एच ए आई, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या इनके नाम में आ सकते हैं, ओके। तो कुछ चीज़ें समाप्त होंगी और कुछ नई शुरुआत होगी, ऐसा ही सोचते भी हैं कि इन्हें कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना होगा, यस। चलिए और क्लैरिफाई करते हैं इस रीडिंग को कि वो क्या सोच रहे थे। आप सुबह इन चीज़ों के बारे में तो सोच ही रहे थे कि वो आपको ज़रूर कुछ ऑफर करेंगे, उनकी फीलिंग्स जेन्युइन हैं तो वो ज़रूर कन्फेस करेंगे, ठीक है। द रिबेल, हो सकता है व्यूअर्स इन्हें आपको प्रपोज करने के लिए या आपको अपना बनाने के लिए काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ना पड़े, काफ़ी ऐसे इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस बना दिए गए हैं जो इन्हें तोड़ने पड़ेंगे, काफ़ी इनके ऊपर जो लिमिट्स लगाई गई हैं इन्हें वो तोड़नी पड़ेंगी, तो इन्हें आउट ऑफ द वे जाके आपके साथ अपना यूनियन करना होगा, इसीलिए इनको रिबेल बनना होगा। और काफ़ी अगर इनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ट्रेडिशनल है या ऑर्थोडॉक्स है, तो वो काफ़ी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ेंगे ज़रूर, ओके, क्योंकि रिबेल का कार्ड आया है यहाँ पे। हार्मनी, ओके, व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर मुझे इस पिक्चर से ये मैसेज मिल रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये जाने अनजाने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है। मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन इसी बात को दर्शाता है जो मैंने आपसे अभी कहा कि इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और ये इन चेंजेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं, इसीलिए आज ये सुबह सुबह सोच रहे थे कि काफ़ी कुछ एंड हो जाएगा, कार्मिक साइकिल्स एंड हो जाएंगी, डार्क फेजेस अगर थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे और इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है, आगे बढ़ रही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और ये सिर्फ इनके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं है, ओवरऑल कनेक्शन, ओवरऑल रिलेशनशिप जो आपका है वो ट्रांसफॉर्म होगा, यानी कि एक लेवल बढ़ जाएगा, एक लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक स्टेज पर थे तो आप उससे आगे बढ़ जाएंगे इन योर कनेक्शन ऑल्सो, ऐसा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है,
बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जो इनको पूरा बदल रहे हैं, उसी बीच ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और हो सकता है कि आज सुबह भी ये आपको उस इंटेंसिटी से, ओके, आज सुबह के वक्त भी ये आपको उस इंटेंसिटी से याद कर रहे थे, या मैं कहूँ उस पॉजिटिविटी से याद कर रहे थे कि इनके थॉट्स एक मैग्नेटिक थॉट का काम कर रहे थे, यानी कि ये आपके बारे में सोच रहे थे। यू वर ऑल्सो फीलिंग ट्रिगर्ड एट योर प्लेस, यानी कि आप जहाँ भी थे, जो भी कर रहे थे इन द मॉर्निंग, आपको भी काफ़ी ट्रिगरिंग लगा होगा, आपको भी इनकी आपने भी इनको मिस किया होगा सुबह सुबह, या आपका भी इनसे मिलने का या बात करने का सुबह सुबह मन किया होगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये आपको सुबह सुबह मैनिफेस्ट कर रहे थे अनइंटेंशनली, ये जानते भी नहीं थे। ओके, हो सकता है व्यूअर्स आपका टेलीपैथिक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो भी फील करते हैं, चाहे डाउन फील करें चाहे हैप्पी फील करें, आपको भी ये चीज़ एक्सपीरियंस होती है। एंड सेम गोज़ फॉर यू, अगर आपके साथ कुछ ऐसे यूनिक और इंटेंस अगर आप कुछ महसूस करते हैं तो उसको लेकर ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं वही चीज़। ओके, चाहे ये चीज़ें इन्हें कंफ्यूज कर दें और आपको कंफ्यूज कर दें, बट दिस इज़ अ साइन कि कोई किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है और मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रही है, दैट इज़ वाई इतना ट्रिगर आप या वो महसूस करते हैं। तो आप सुबह सुबह ट्रिगर अगर महसूस कर रहे थे, सो दे वर मैनिफेस्टिंग यू। ओके, तो व्यूअर्स ये इनके थॉट्स हैं सुबह सुबह के। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इन्होंने बहुत विस्तार में सोचा है, लेकिन जितना भी ये अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे थे, अपने जीवन के बारे में सोच रहे थे, ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने सोची, ये कुछ ख्याल हैं जो उनके दिमाग में आए। इससे ज़्यादा भी सोचा हो सकता है, या हो सकता है कि कल को ये कुछ और सोचें, एक महीने बाद इनका थॉट प्रोसेस कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये उनकी आज सुबह की एनर्जी थी। ओके, यस, चलिए मैं इसमें मूनोलॉजी डेक से एक मैसेज लेती हूँ आप लोगों के कनेक्शन के लिए, और व्हाटएवर जो भी डिवाइन गाइड करना चाहें, लेट्स सी। ओके, काफ़ी शफल कर लिया। कम्युनिकेशन इज द की, दिस इज द मैसेज हियर व्यूअर्स। कम्युनिकेशन इज द की, यानी बातचीत करने से ही समाधान निकलेगा, बातचीत करने से ही सॉल्यूशन निकलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो गया है, विच इज़ वेरी एविडेंट हेयर कि हो गया है, तभी ये कार्ड आया है। अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो गया है, बात नहीं हो रही है, और अगर बात होती है तो जो बात करनी है, जो बात दिमाग में है कि ये बात करनी है, वो बात आप करते नहीं हैं, बात को गोल गोल घुमा देते हैं, या फिर ये आपके पर्सन जो हैं ये ऐसा करते हैं कि जो इनके दिल दिमाग में है वो डायरेक्टली नहीं कहते, या तो इनडायरेक्टली कहते हैं, या बातों को गोल गोल घुमा के बात को लेट गो कर देते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन की कमी है, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना कम्युनिकेशन बेटर करना चाहिए एक दूसरे के साथ, ऐसी एडवाइस है। ओके, न्यू मून इन जेमिनी। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस प्रोवाइड की है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट्स बहुत प्रीशियस हैं, आपके लाइक्स, आपके व्यूज़, एवरीथिंग इज़ प्रीशियस फॉर मी। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ये वीडियोस और लोगों तक भी पहुंच पाते हैं, उन लोगों की भी हेल्प हो पाती है, और साथ ही साथ मुझे लाइक्स को देखकर पता भी लगता है कि कितने लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को, और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँगी सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी सेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय व्यूअर्स।